अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कश्मीर टाइगर अपना सीरीज हारने के बाद चैलेंज मैच में एक बार फिर मद्दे मुकाबल है। पाक कश्मीर के पहला बॉल अतीक, बेहतरीन शॉट, पहला 6 रन। ये सीरीज जो खराब कारकर्दगी की बाइस कश्मीर टाइगर को लूज करना पड़ी। एक चैलेंज मैच शहजाद पहलवान की तरफ से दिया गया पाक कश्मीर को। देखते हैं ये चैलेंज मैच कौन विन करता है, इसका सिकंदर कौन बनता है। अतीक अपने ओवर का दूसरा बॉल और शहराज ये एक 2 रन लेने में कामयाब। 2 बॉल 8 रन, पहला ओवर 5 ओवर का ये मैच है। इंडिया क्रिकेट स्टेडियम से लाइव चैलेंज मैच कश्मीर पाक कश्मीर और कश्मीर टाइगर्स के दरमियान। अच्छी कारकर्दगी इससे पहले दिखाई है पाक कश्मीर ने। दोनों मैच में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कश्मीर टाइगर को, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में। उठा के खेल लिया शराफत, फील्डर है मौजूद और ये कैच ड्रॉप हो गया। 3 फील्डर थे, कीपर और कैप्टन भी टीम के मौजूद थे, जज करने में नाकाम हुए। 3 बॉल 9 रन लिया। कैचेस विन द मैचेस होते हैं। किसी भी मैच को आपको जीतने के लिए आपकी फील्डिंग, जो कि पाक कश्मीर ने एक मिसाल कायम की, अपनी फील्डिंग के अंदर बहुत ही फोकस किया, हर बंदे ने फुली ट्राई की, इसको इम्प्रूव किया और ये 2 रन लेने में कामयाब। बैट का इशारा 4 रन। जैसे कि पाक कश्मीर ने बहुत एफर्ट की, बड़ी टीम थी साइज से। जो पाक कश्मीर के ओपनर प्लेयर थे 2 बार रन आउट हुए दोनों मैचों पहले, फिर भी कैप्टन शाहजेब की तरफ से एक बेहतरीन इनिंग्स खेली गई अपने मैच को बचाने के लिए। और बॉलिंग में भी कमाल कर दिया अतीक, और ये बॉल उठा के खेला और ये कैप्टन के हाथों से कैच ड्रॉप। कैचेस जो होते हैं वो है मैच की विनिंग की निशानियां, कैचेस इन द मैचेस। और छठा बॉल करने के लिए अतीक मौजूद, सिंगल लेने में कामयाब हुए। यार जी मारे छक्का ठीरा ले आ ले आ हाय हाय हेलो हाँ जी भाई से ठहरो ठहरो हूँ बहो हाँ सब कुछ निकली जाना इतना का जागो
फिर मारना भुली हो दुए नंबर है दो का मारना लिंक पे दे ये बॉलिंग ना बैटिंग की बॉलिंग बैटिंग बड़ा लंबा लंबा 80 ग्राउंड खाली है कितना सोना लग रहा है चौका तकना पे बने फास्ट बॉल है कीपर को नहीं लपानी सारे अंपायर से हूं सारे एक बार और पैसे
गई 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 निकली गई गई चलो 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 आउट करने की कोशिश करते हैं, आउट नहीं होना आखिरी बार आउट करने की कोशिश करते जोर लाया ठीक है मनु भैया सरताली मारे उन्हें लंबे लंबे पूरा जावर नहीं लाया आज पूरा जावर नहीं लाया नीचे बैठा बंदा मार दे सारा नो बहुत मजा आ गया छक्का उतरी गया आओ सही सुन गया गेंद उतरू मुड़ा आई भी बाहर छक्का तो मैं से आया इसने पीछे खलो दूर मेरा पानी चढ़ गया नंगी आई कैमरे कहना अंपायर फ्री तक करते हैं बाद जज नहीं होना सत्री का ओके ओके सो ऑर्डर फ्रॉम मैच नाउ बस 15-20 मिनट में पहुंचना सो ऑर्डर फ्रॉम गोल गोल मेरा प्रभाव तासी से हमारा लड़ाई पुत्रा के दा वीर देवा कर जाड़ी जो किसान को क्या चार भैया फोन हेलो चार फ्री टी सीधे बैठा चार चार ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ
भाई गोटो जी है सदर साहब तेरा बड़ा ना सुनता एक बाल चार चार एक बाल होइए चार स्कोर दो 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 फिर दो फिर दो बस एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस छह रन हुए यार जी छह करो यार पहले पर दो पहले पर चार लगा दिए अगले तारे स्वाद है और गए 12 हो गए बारह तो बाद मैं लिखा कि दो मुड़े ने सतारा ने अठारह स्कोर है जी दोनों भी स्कोर लिखे अठारह लिखे अठारह उन्नी हुई
वाइट सिटी करे और क्या सोचे जी एक जी भाव का लिखा कुछ इक्की दो पुत्र मेडियन कटिया वा मेडियन हां चैलेंज करता यहां से आगे गरीब कर क्लिक करो सिर्फ लेग पर इसी मारी सकने बकाया और कुछ आगे ना मारी सकने टाइमिंग है ना बैट सही होए बैट लगे कैच सही एक है इधर कैच छोड़ी आई इधर मुकवा है जुपसो भी है इतने स्टेप पर हाथो लग बिल प्लेट उसमें नो 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 बदल बदल चाचा थला सा नहीं मारने भरा उसकी बताली सीधा बल्ले लेनी भुली
अगला इतवार है, उसको अगला इतवार है, उसको अगला इतवार है नहीं आप दादा ले बहुत बढ़िया हम औरत मार्च का पूरी शिद्दत के साथ बायकॉट करना चाहते हैं। अगर हाफिज मोहम्मद सईद की जुबान बंदी की जा सकती है तो इन फाहशा औरतों को भी लगाम मिलनी चाहिए। ये कौन सा तमाशा है, ये कौन से हकूक की जंग है? क्या पाकिस्तान अब अमेरिका बन चुका है जहां पर हम जिंस परस जो हैं गेज और लेस्बियन के हकूक की जंग लड़ना चाहते हैं? हजरात ग्रामी कदर, ये मगरब के टुकड़ों पे पलने वाली एनजीओस, ये मगरब से माल को बटोर कर हमारी ना कच्चे जहन वाली बहनों बेटियों को गलत ट्रैक के ऊपर चलाने की कोशिश करने वाली बेहया और अहलाक बाहता औरतें, ये हमारे मुआशरे के अंदर एक नासूर की असर रखती हैं। इनका ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना पाकिस्तान से ताल्लुक है, ना तहजीब मशरक से ताल्लुक है, ना हया से ताल्लुक है, ना वफा से ताल्लुक है। ये बेहयाई की लंबरदार, ये शैतनत की लंबरदार, ये फाशी की लंबरदार, ये उरिया नीयत की लंबरदार, ये जिनाकारी की लंबरदार। हजरात ग्रामी कदर, हम औरत मार्च का पूरी शिद्दत के साथ बायकॉट करना चाहते हैं। अगर हाफिज मोहम्मद सईद की जुबान बंदी की जा सकती है तो इन फाहशा औरतों को भी लगाम मिलनी चाहिए। अगर आप लगाम नहीं देंगे तो मुआशरे के अंदर जो है नफरत पैदा होगी, पोलराइजेशन पैदा होगी, मुआशरे के अंदर तबकाती कश्मकश पैदा होगी, मुआशरे के अंदर मस्जिद मिंबरों मेहराब का तकद्दुस मजरू होगा, मुआशरे के अंदर किताब और सुन्नत के फरामीन की धज्जियां उड़ाने की गलत तर्ज अमल का आगाज होगा, मुआशरे के अंदर मिंबरों मेहराब के खिलाफ बकवासियात की जाएंगी, मुआशरे के अंदर अल्लाह रसूल के खिलाफ हर्जा सराई की जाएगी, मुआशरे के अंदर दीन और शरीयत के खिलाफ नफरतों का इजहार किया जाएगा, मुआशरे के अंदर दीन के मुअल्लिमीन के खिलाफ हर्जा सराई की आगाज किया जाएगा। हजरत ग्रामी कदर, हम मुस्तकबिल को देख रहे हैं। हान साहब, आप मुल्क के अंदर टकराव को, आप मुल्क के अंदर तसादुम को, आप मुल्क के अंदर कश्मकश को, आप मुल्क के अंदर फसाद को हवा दे रहे हैं। आप कहां की मदीना की रियासत के सरबराह हैं? मदीना की रियासत हया की रियासत थी, मदीना की रियासत पाक दामनी की रियासत थी, मदीना की रियासत पर्देदारी की रियासत थी, मदीना की रियासत हिजाब की रियासत थी, मदीना की रियासत जिल्बाब की रियासत थी, मदीना की रियासत निकाब की रियासत थी, मदीना की रियासत लिल्लाहियत की रियासत थी, मदीना की रियासत तकवा की रियासत थी, मदीना की रियासत हय्याल सलाह हय्याल फलाह की रियासत थी, मदीना की रियासत अल्लाह अकबर की रियासत थी, मदीना की रियासत निजामे इलाही की रियासत थी, मदीना की रियासत निजामे मुस्तफा की रियासत थी। हमें आपका कानून नहीं चाहिए, हमें आपकी रियासत नहीं चाहिए, हमें रियासत अगर चाहिए तो काली कमली वाले की चाहिए। हजरात ग्रामी कदर, इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के तकद्दुस की जंग लड़ेंगे, इस मुल्क के अंदर इफ्फत और असमत की जंग लड़ेंगे, इस मुल्क में हिजाब और निकाब की जंग लड़ेंगे, इस मुल्क में हया और पर्देदारी की जंग लड़ेंगे। और मैं ये बात समझता हूं, सारे भी पलट जाओ तो इंशाल्लाह हम अकेले इस जंग को लड़ते रहेंगे। अल्लाह के फजल करम से हम घबराने वाले नहीं हैं और मैदान से भागने वाले नहीं हैं।